सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आज आपको मेरा वर्मी कंपोस्ट फार्म दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 220 बेड लगे हुए हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छाया और पक्का फर्श की आवश्यकता होती है। इसलिए छाया करने के लिए ग्रीन नेट ऊपर लगाइए और फर्श को पक्का करने के लिए प्लास्टिक पन्नी लगाइए, जिससे न्यूट्रन नीचे मिल जाए। केंचुए खाद बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है केंचुए आइसिनिया फोरिडा स्पीसीज की होनी चाहिए, क्योंकि ये 90% ऑर्गेनिक मैटर व 10% मिट्टी खाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे आइसिनिया फोरिडा स्पीसीज के केंचुए हैं और ये केंचुए बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। आप देख रहे हो कि केंचुए की संख्या हमारे इस बेड में बहुत अधिक है। हर बेड में भी आपको केंचुए संख्या इसी प्रकार से मिलेगी। केंचुए की संख्या बढ़ाने के लिए इनको बेसन व गुड़ का पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे केंचुए की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन अधिक हो जाता है। और इस प्रकार से ये इसमें देखो, आप कोकोन्स भी देख रहे होंगे येलो कलर के राउंड। और मैं अब आपको मेरे जो वर्मी कंपोस्ट में जो सबसे पहले स्टार्ट की थी वो दिखा रहा हूँ। ये यूनिट वो है जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग स्टार्ट की थी। इसमें 365,000 खर्च आया था। ये पक्की यूनिट है, लेकिन आप लोगों को ऐसी नहीं बनानी। जब ये पहले देखी थी ग्रीन नेट और प्लास्टिक पन्नी वाली, वैसी बनानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट समस्या आती है पानी देने की। जो आप माइक्रो स्प्रिंकलर दे रहे हैं, इससे आप पानी देंगे, जिससे लेबर की बचत होगी और पानी की बचत होगी। अब मैं आपको फिर यहाँ पे मेरे वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुए की संख्या दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से केंचुए की संख्या यहाँ भी इतनी ही है। देखिए आप, ये वर्मी कंपोस्ट के अंदर मेरे केंचुए की संख्या यहाँ भी बहुत अधिक तादाद में है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए और अच्छे से मुनाफा कमाइए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बनाकर आप अच्छे से आमदनी भी कमा सकते हैं और अपने परिवार और अपने एनवायरमेंट सभी मर्दा सबका स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। मैं अब आपको मेरा जो फर्म का बैनर है वो दिखा रहा हूँ। मेरे फर्म का नाम डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं इसमें नीचे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट को किस प्रकार से बेड से उतार कर छाने। सबसे पहले बेड से जब नमी 60 दिन हो जाए तो ऊपर इसको हल्के से उतार कर इस मशीन के ऊपर, 4 mm का जाल है, इस मोटर लगी हुई जिसे छान कर इस प्रकार से दानेदार वर्मी कंपोस्ट हम अलग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा खाद है,